अब हम देखेंगे एनकोडर क्या होता है। तो जिस तरह से हमने डिकोडर देखा था, डिकोडर क्या होता है, एक ऐसा सर्किट होता है जो अगर n इनपुट्स दें तो हमें कितनी आउटपुट लाइंस देता है, 2^n। मतलब 3 इनपुट्स दिए हैं तो हमें कितने आउटपुट्स मिलेंगे, 2^3, मतलब 8 आउटपुट्स मिलेंगे। एनकोडर जो होता है इसका अपोजिट होता है, मतलब वो इनपुट में मैक्सिमम इनपुट्स कितने लेगा, 2^n इनपुट्स लेगा, और आउटपुट में हमें कितने मिलेंगे, क्या मिलेगा, उसके बदले में n मिलेगा। इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहले हमने देखा था 3 to 8 डिकोडर देखा था, अब हम इसी का अपोजिट लेते हैं। वहां पर कितनी थी, 3 इनपुट लाइंस थी और 8 क्या थी, आउटपुट लाइंस थी। अब हम उसी का जस्ट अपोजिट करेंगे। अब हमारी आउटपुट लाइंस कितनी होंगी, 8 होंगी, और इनपुट में हमें क्या मिलेगा वो हम अभी देखते हैं। हमारी जो आउटपुट लाइन इनपुट लाइंस होंगी वो कहां से कहां तक होंगी, D0 से लेकर D7 तक 8। तो D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 और D7। अब क्योंकि ये क्या डिकोडर है, इसमें टोटल इनपुट लाइंस कितनी है, 8 है, मतलब 2^3 इज इक्वल्स टू 8। तो हमें जो आउटपुट लाइंस मिलेंगी वो कितनी मिलेंगी, 3 मिलेंगी। तो हम आउटपुट में क्या ले लेते हैं, x, y एंड z, ये 3 क्या ले लेते हैं, हम आउटपुट लाइंस ले लेते हैं। अब जब D0 की वैल्यू क्या है, 1 है, और बाकी सब मान लिया कि क्या है, 0 है, तो उस केस में हमें, क्योंकि D01 है, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 000 मिलेगा। इसके बाद जब D1 की वैल्यू क्या है, 1 है, और बाकी सब क्या है, 0000 है, तो क्योंकि ये क्या है, 1 है, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 001 मिलेगा। इसके बाद इसी तरह से जब D2 की वैल्यू 1 है और बाकी सब क्या है, 0000 है, तो हमें क्या मिलेगा आउटपुट में, 010 मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, 2 है, और 2 का बाइनरी क्या होता है, 010 होता है। फिर 0100 और ओनली D3 क्या है, 1 है, और बाकी सब क्या है, 0 है, तो हमें क्या मिलेगा, 011 मिलेगा। इसी तरह से जब D4 की वैल्यू 1 है और बाकी सब क्या है, 0 है, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 100 मिलेगा। फिर जब D5 की वैल्यू है 1 और बाकी सब क्या है, 0000 है, बाकी सब है 0, तो D5 मतलब हमें क्या मिलेगा, 101 मिलेगा। इसके बाद जब D6 की वैल्यू क्या है, 1 है, और बाकी सब है 0000000 है, तो हमें क्या मिलेगा, 110 मिलेगा। लास्ट में जब D7 की वैल्यू क्या है, 1 है, और बाकी सब है 0, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, 111 मिलेगा। तो ये हो गया मैक्सिमम हमारा आउटपुट। तो ये क्या है, 8 to 3 एनकोडर हो गया। अब हम पहले बनाते हैं x के लिए आउटपुट इक्वेशन। तो हम देखें कि x हमें कहां कहां पर 1 मिल रहा है। तो x हमें कहां 1 मिल रहा है, जब D3 की वैल्यू क्या है, सॉरी, जब D4 की वैल्यू क्या है, 1 है। तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू D4 प्लस, अब हम प्लस लगाएंगे क्योंकि या तो जब D4 की वैल्यू 1 है, या जब D5 की वैल्यू 1 है, या D6 या D7, मतलब सारी 1 एक साथ नहीं है, या ये या ये या ये या ये, तो एट ए टाइम कोई एक 1 है, तो इसीलिए हम क्या लगाएंगे, ऑल, मतलब प्लस का साइन लगाएंगे। फिर एक और बार x हमें कहां 1 मिल रहा है, जब D5 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, D5 लिख देंगे। इसके बाद एक और बार x की वैल्यू कब 1 हो रही है, जब D6 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर D6 लिख देंगे। इसके बाद हमें कहां पर 1 मिल रहा है, x की वैल्यू 1 कहां मिल रही है, जब D7 की वैल्यू 1 है, तो हम क्या लगा देंगे, प्लस D7 लगा देंगे। इसके बाद अब हमें किसके लिए बनानी है, y के लिए इक्वेशन बनानी है। तो y की वैल्यू हम अगर नोटिस करें कि हमें कहां कहां पर 1 मिल रही है, तो y की वैल्यू हमें 1 मिल रही है एक, जब D2 की वैल्यू 1 है तब, तो हम क्या लिख देंगे, y इज इक्वल्स टू D2 प्लस, फिर हमें y का 1 मिल रहा है यहाँ पर, मतलब कि जब हमें D3 की वैल्यू 1 है, जब D3 हाई है तब, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, D3 प्लस, फिर हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर किसकी वैल्यू 1 है, यहाँ पर है D6 की वैल्यू 1, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, D6, तो ये D6
प्लस एक और हमें वन कहां पर मिलता है, जब D7 हाई है तो हम क्या लिख देंगे, प्लस D7। तो ये हमारी किसकी इक्वेशन हो गई, y की इक्वेशन हो गई। अब हमें निकालनी है z की इक्वेशन। तो z हमें कहां पर वन मिल रहा है, अल्टरनेट्स में वन मिल रहा है हमें। सबसे पहले z की वैल्यू वन कहां मिल रही है, ये यहां पर मतलब D1 पर। तो ये हो गया z इज इक्वल्स टू D1। देन कहां पर वन मिल रही है z की वैल्यू, ये यहां पर मतलब D3। तो यहां पर हमने लिख दिया D3। फिर हमें कहां पर वन मिल रही है, यहां पर मतलब जब D5 हाई है, तो यहां पे हमने लिख दिया D5। और फिर प्लस हमें कहां पर वन मिल रही है z की वैल्यू, यहां पर मतलब जब D7 हाई है, तो D7। अब हमें बनाना है इसका सर्किट डायग्राम। लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर। अब हमें एनकोडर का क्या बनाना है, सर्किट डायग्राम बनाना है। तो हमारे पास टोटल इनपुट्स कितने हैं, D0 से लेकर D7 तक के, और आउटपुट इक्वेशंस हमें तीन मिलेगी। तो पहले हम एक्स के लिए बनाते हैं, हमने अभी निकाली थी एक्स वाई जेड की आउटपुट इक्वेशंस। तो एक्स के लिए हम बनाते हैं डायग्राम। तो एक्स को क्या क्या चाहिए, D4 D5 D6 और D7, और इनके बीच में प्लस ऑपरेटर है। तो पहले हम ले लेते हैं D4। तो D4 कैसे आएगा, ये ले लिया हमने D4, फिर D5, तो ये हो गया D5, फिर D6, तो ये D6, और ये D7, तो ये हो गया D7। इनके बीच में हमें क्या लगाना है, और गेट लगाना है, क्योंकि प्लस ऑपरेटर यूज किया हुआ है इनके बीच में। तो ये किसकी इक्वेशन आ जाएगी, x की इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद में अब हमें किसकी बनानी है, y की इक्वेशन। तो y को क्या क्या चाहिए, 2, 3, 6 एंड 7। तो D2, तो ये यहां से ले लेंगे हम D2, फिर D3, तो D3, फिर हमें क्या चाहिए, D2 D3 हो गए, D6 एंड D7। तो D6 को हम यहां से ले लेते हैं, तो ये D6 और D7 हमने यहां से ले लेना है। अब इनके बीच में भी हमें क्या लगाना है, और गेट लगाना है। तो ये किसकी इक्वेशन आ गई, y की इक्वेशन आ गई। फिर हमें क्या चाहिए z के लिए, तो उसमें हमें चाहिए D1 D3 D5 D7। तो D1 पहले, तो ये D1। फिर हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, D3 चाहिए, तो ये यहां से ले लिया हमने D3। फिर हमें चाहिए D5, तो D5 हमने ले लेना है यहां से। और फिर हमें चाहिए लास्ट में D7, तो ये हमने यहां से क्या ले लिया है, D7 ले लिया। और इनके बीच में भी हमें क्या लगाना है, और गेट लगाना है। तो ये और गेट लगाया, और ये क्या आ गई हमारी z की इक्वेशन। और D0 यहां पे कहीं किसी से भी कनेक्टेड नहीं है।